ये है हमारा लालू खेत, ये है हमारा लियाकताबाद कराची। काम तो मत पूछो मेरे भाई, शाम को काम शुरू होता है तो बंद करने का टाइम हो जाता है, दिन में कारोबार सही 6 बजे बाद कारोबार शुरू होता है, 6 बजे लॉस मिल जा रहा है हर बंदा। आप उमर शरीफ को जानते हैं तो आप लालू खेत को जानते होंगे। अगर आपने उमर शरीफ का ड्रामा लाल किले की रानी और लालू खेत का राजा देखा है, उनके स्टेज ड्रामे देखे हैं, तो आप लालू खेत को जानते हैं और आप लालू खेतियों को भी जानते हैं। उमर शरीफ के अक्सर ड्रामों में और अक्सर स्टेज प्रोग्रामों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कूदता फांदता पथराव करता लालू खेती घुस ही आता है, क्योंकि उमर शरीफ की पैदाइश इसी इलाके में हुई। यही वो बस्ती है जो हमेशा से प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद का हलका इंतखाब रही है और वो यहाँ से कौमी असेंबली के लिए चुने गए हैं। लालू खेत कराची के मज़ाफ़ात में कभी शुमार होती थी, लेकिन फलते फूलते और फैलते फैलते शहर के बीचों बीच शहर के कल्ब में आ गई है। शहर के बीचों बीच की ये आबादी है जो दरमियानी लोअर मिडिल क्लास और गरीबों पर मुश्तमिल सही, लेकिन शहर की इल्मी अदबी सियासी और खेलों में नुमाया और मुमताज़ नजर आने वाली शख्सियात की रहाइश और परवरिश गाह है। इसी बस्ती के जुनूब में और मशरिक में घूमती बलखाती लियारी नदी कुदरती हद बनाते हुए उसे पीर इलाही बख्श कॉलोनी, निस्टर रोड और गुलशन इकबाल से जुदा करती है, तो मगरिब की जानिब गुजरू नाला जो रावलपिंडी के नाला लई जैसा है वो उसे नाजिमाबाद से अलहदा करता है। शुमाल में एक सड़क पार करते ही फेडरल बी एरिया शुरू हो जाता है। लोग लालू खेत छोड़कर चले जाते हैं, लालू खेत से निकल जाते हैं, तब भी ये कहते हैं कि लालू खेत हमारे अंदर से नहीं निकलता। तीन हट्टी के पुल से आने वाली सड़क उसे ईस्ट और वेस्ट दो बराबर के हिस्सों में तकसीम करती है, तो नाजमाबाद से गजरू नाला के ऊपर से आती हुई शारा उसे नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में बांट देती है। शुमाली हिस्सा जो नाजमाबाद खत्म होते ही गजरू नाला से शुरू होता है तो लियारी नदी तक गुलशन इकबाल की हदों को छूता है। इसके शुरू में ही गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है जो किसी जमाने में यहाँ का इकलौता गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था। इसी के किसी ग्राउंड में खेलते कूदते कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान इस्लाउद्दीन खेल खेल कर ओलंपियन बने। यहाँ से ज़रा आगे ही आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल हाजी गुलाम फरीद साबरी मरहूम की रहायशगाह थी। स्कूल के साथ ही सुन्नियों की मस्जिद और इसके मुकाबले शियों की इमाम बारगाह है
और ये एक अच्छे वक्तों की यगानिगत और भाईचारे की अलामत है। बाएं तरफ जाती सड़क मलबारी पान वाले की दुकान के पहलू से होती हुई फेडरल कैपिटल एरिया की तरफ चली जाती है। मस्जिद के साथ जो सड़क मरकजी इमाम बारगाह, ईरानी रेस्टोरेंट और फर्नीचर मार्केट की तरफ रुख किए हुए है, इसी सड़क पर ज़रा और आगे बढ़ जाएं तो शाहजहां पूरियों का मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में MQM के आमिर खान का घर है। यहाँ से कदम ब कदम चलते जाएं तो मस्जिद बिलाल है, जिसके साथ वाली गली में कभी वफाकी शरई अदालत के जज मुफ्ती शुजात अली कादरी और मौलाना सआदत अली कादरी का क़याम हुआ करता था, और साथ ही MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक भी यहाँ रहते थे। यहाँ मरकजी इमाम बारगाह से मुत्तसिल उस जमाने का लालू खेत में एक ही सलीके का रेस्टोरेंट कैफे दौलत हुआ करता था, जहाँ आम दिनों में अदबी और सियासी शख्सियात चाय की प्याली में तूफान उठाती थी। लालू खेत के इसी हिस्से में वो सुपरमार्केट है जो भुट्टू दौर के लिसानी हंगामों में जल जाने के बाद भुट्टू साहब ने बनवा कर दी थी। और जब मशहूर वाकया है कि जब वो इसके इफ्तिताह के लिए आए तो लोगों ने पाँव की जीनत हाथों में लेकर फिजा में उछालनी शुरू कर दी, तो मामला फहम और अवामी मिजाज को समझने वाले उस जहीन लीडर ने कहा था, मुझे पता है जूते महंगे हो गए हैं। इसी सुपरमार्केट के पीछे कालम निगार आलिम और सियासी लीडर हाफिज बशीर अहमद गाजी का मस्कन था, साथ में सैयद अली कौसर की अवामी बैठक और अयूब खान की मुस्लिम लीग का दफ्तर था, जहां रात गए तक महफिल जमती थी। फिर अयूब मुखालिफ तहरीक में लोगों ने अली कौसर का घर और मुस्लिम लीग का दफ्तर फूंक डाला। अली कौसर जगत चचा थे, उनकी महफिल में कारी ज़ाहिरुल कासमी, गाजी इनाम नबी परदेसी, हाफिज बशीर गाजी आबादी और उस वक्त की बहुत सी मुमताज शख्सियत की रोज की शिरकत मामूल था। सुपरमार्केट के सामने से सड़क पार करते ही पेट्रोल पंप और उसके सामने लालू खेत का मकान नंबर 1 है, जिसके मकीन मास्टर ताजुद्दीन कभी लियाकत अली खान के स्टाफ में थे, और उनका दावा है कि इस घर का संग बुनियाद लियाकत अली खान ने रखा था। यहाँ से सीधे चलें तो मशहूर नब्बाज हकीम मुरसलीन का मतब है, जिसके आगे यावर अली वाजिद अली अलमारूफ मटके वाले कव्वाल और सामने के हिस्से में कौस बनाती हुई गली में इस्लाउद्दीन और हॉकी के एक दूसरे ओलंपियन आरिफ भोपाली का घर था। वहीं तैयबा मस्जिद के सामने तारीख सिंध के मुसन्निफ नादिर रोजगार शख्सियत एजाजुल हक कुद्दूसी ने अपनी तहकीकी और इल्मी जिंदगी गुजारी और वहीं आखिरी सांस लेकर रुखसत हो गए। यहीं एक तरफ नवाबजादा नसरुल्ला की पाकिस्तान जमहूरी पार्टी की उस वक्त कराची के सदर डॉक्टर अमीद अहमद, जो बाद में मुख्तसर मुद्दत के लिए सूबाई वजीर तामीरात भी रहे, उनका क्लिनिक भी मरीजों से पूर रहता था। वो भी रफ्ता रफ्ता सियासत की नज़र होकर ऐसा उजड़ा कि फिर न बच सका। ज़रा आगे नर्सरी के सामने बिहार कोटी की महफिल शेर व सुखन रोज़ का मामूल होता था। शाम होते ही खुले खिते में छिड़काव के बाद कुर्सियां लग जाती हैं और शोरा की आमद शुरू हो जाती। इसी उजड़े दयार में मस्जिद फारूक आज़म के सामने से गुजरने वाली पतली सी सड़क जो कासिमाबाद पर ख़त्म होती है कि शुरू में जमीयत उलमाए पाकिस्तान कराची के जनरल सेक्रेटरी जवामर्ग सैयद इरशाद अली का घर था। इसी रास्ते पर चलते जाएं तो इसके एक जानिब हॉकी के ओलंपिक खिलाड़ी सैयद शाहिद अली और जमात इस्लामी की रहनुमा सबिया शाहिद अली, प्रोफेसर निसार, गज़ल के गुलोकार सैयद आसिफ अली जो पहले नातखां थे, के मकानात थे। आगे वो मोहल्ला है जिसमें तहरीक इस्तकलाल के महफूज यार खान, नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमा इलाउद्दीन अब्बासी और रोज़नामा हुर्रियत के एडिटर, जिनका नाम इस वक्त याद नहीं है, और साथ ही साथ मशहूर शायर जाजिब कुरैशी, जासूसी नावल निगार एच इकबाल और उमर शरीफ की रहायशगाह थी। अथर शाह खान उर्फ जैदी फरमाते हैं कि उस ज़माने में आना लाइब्रेरियां हुआ करती थीं और उनका कारोबार ज़ोरों पर था।
किताबें अगरचे सस्ती थीं लेकिन ख़रीदने की इस्तेआत पर भी न थी। इन हालात में एक आना रोज़ पर किताबें किराए पर देने वाली ये लाइब्रेरियाँ अहले ज़ौक़ की तस्कीन का बड़ा सहारा थी। अच्छा, और आते हैं तो आपके सामने गर्मी की वजह से जो पोजीशन है सही, ठीक है, जो टाइम काम का होता है उस टाइम पे बंद करवा देते हैं। नहीं यार, यानी ये बिल्कुल डाउन है हालात, बिल्कुल डाउन है, बहुत मुश्किलों से चल रहा है कहानी में, बहुत ज़्यादा जिनको गुजरती है वही जानता है। सही बात है भाई, शायद कितने सैलरी 800 रुपये दी ना, उनकी 400 रुपये हो गई है, कम कर दिया आपने, क्या करें। सही, ये दुकान आपकी अपनी या रेंट पे? जहाँ डाकखाना और लियाकताबाद से लेकर अल आज़म स्क्वायर की हद तक उसकी कपड़ा मार्केट और खुर्दनोश की अशिया थोक मार्केट बहुत बड़ा तिजारती और कारोबारी मरकज़ है, वहीं डाकखाना की चौरंगी के अतराफ कबाब और नहारी से लेकर मछली और रबड़ी तक लज्जत कामोदहन के लिए सब कुछ दस्तियाब है। गुरूब आफ्ताब के बाद यहाँ कबाबों की खुशबू और कटाकट का शोर ना चाहते हुए भी कदमों को रोक लेता है। यही नायाब जामा मस्जिद के पहलू में वो रेस्टोरेंट है जिसकी एक मेज के साथ दीवार पर छोटे साले मोहम्मद कबाल और दूसरे पर हाजी गुलाम फरीद साबरी के वहाँ मिलने और शरीर आराय महफिल होने के औकात दर्ज थे। यही सड़क के साथ आमिर लियाकत मुनज्जम और उनके माहनामा आईना किस्मत का दफ्तर और अंजुमन जुल्फ़कार हैदरी हुआ करती थी, जिसके नौहो खां मोहम्मद अली उर्फ सच्चे अहले तशी में बेहद मकबूल थे और अभी उनका कुछ अरसे पहले अमेरिका में इंतकाल हुआ।